ईशा रानी आखिरकार चंडीगढ़ करने क्या गई है? लोगों को पता तो चल गया है कि एलविश यादव चंडीगढ़ में मिल रही हैं, और बातें भी सामने आई हैं कि एलविश यादव के साथ जो है मनीषा रानी एक म्यूज़िक वीडियो करने वाली है, उसकी शूटिंग के लिए वहां पर पहुंची है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि म्यूज़िक वीडियो शूट करनी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मनीषा जो है किसी और के साथ है। ये किसी और के साथ शूट तो है मनीषा की, पर किसी और के साथ है ये तब पता चला जब एक फैन ने जो है विशाल को ही सीधा पूछ दिया कि कंफर्म बताओ कि एलविश के साथ म्यूजिक वीडियो है। तो उन्होंने बोला कि देखो, एलविश के साथ नहीं है, किसी और के साथ है, पर मैं बता नहीं सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के रीजंस होते हैं। फिर ओके भाई करके बोल दिया। अब जो है अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि सडनली लव कटारिया ने बोला चंडीगढ़ में मैं मिलवाऊंगा, मैं मिलवा नहीं पाया, मैंने वादा किया था। अभी जो है चंडीगढ़ पहुँच चुके एलविश ने एक बात बोली है कि मैं शूट कर रहा हूँ और आप सब लोगों को पता है किसके साथ कर रहा हूँ, और सब लोगों को पता है कि मनीषा रानी के साथ कर रहे हैं। अब बात ये रही कि इन लोगों ने जो है कंफ्यूज रखा है। अभी सब लोगों को तो पता है कि भाई मनीषा रानी के साथ शूट कर रहे हैं। अब वो शूट म्यूज़िक वीडियो की शूट है या व्लॉग शूट है या कौन सी शूट के लिए वो पहुंचे हैं, ये बात तो नहीं पता चली है, पर इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा है कि किसी और के साथ शूट है। पर आप लोगों को क्या लगता है, ये बस ऐसे ही एक इत्तेफाक हो गया कि सडनली एलविश भी वहाँ पर, मनीषा भी वहाँ पर, कटारिया ने भी बोल दिया? क्या ये सडनली ये सब चीज़ें हुई हैं? भाई ये कुछ तो है, और क्या है मैं आपके लिए कंफर्म चीज़ें थोड़ी देर में निकाल के लेके आऊँगी कि ये पूरा माजरा जो कि घुमाया जा रहा है ना, वो है क्या। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।